हेलो स्टूडेंट्स, आपको मैं आज फिर फिजिक्स का जो है, जैसा कि आप जानते होंगे, साइंस का क्रेज जो है दिनों दिन बढ़ते जा रहा है और कंपटीशन एग्ज़ाम में अब साइंस जो है थोड़ा हायर लेवल से और डीप, जिसे डीप नॉलेज है वही उसका आंसर कर सकता है। मतलब जो रटा हुआ ज्ञान था उससे अब जो है कम चलाओ नॉलेज, आपके पास जो था कम चलाओ नॉलेज उससे अब काम नहीं चलेगा और आपको अब डीप नॉलेज की ज़रूरत है। और आप सभी जानते हैं कि कंपटीशन जो है कितना ज़्यादा टफ हो गया है, तो मैं इसलिए आपको प्रयास करूँगा कि साइंस में डीप नॉलेज और सेलेक्टेड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कि आपको साइंस के क्षेत्र में आपके कल्पना को, आपके ड्रीम को, आपके एनर्जी को हमेशा बार बार चैलेंज करते रहे और साइंस में इंटरेस्ट को जो है वो साइंस में आपको बोनाफाइड बना दे, मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको देने का प्रयास करूँगा। और जब साइंस आप जान जाएंगे, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो और मैथमेटिक्स, तो हम लोग बिहारी हैं, ऐसे भी इंडिया का मैथमेटिक्स अच्छा है, आप साइंस में रुचि को डेवलप करें। तो मैं अब क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिए, जैसा कि कल आपको मैं बताया था कि न्यूटन का जो है पहला नियम को डिफाइन करता है, न्यूटन का सेकेंड नियम का स्टडी करेंगे तो उसमें पहला नियम भी आपको आ जाएगा। मतलब न्यूटन का पहला गति नियम न्यूटन के दूसरे गति नियम में पाया जाता है। अब मैं ये भी बताने जा रहा हूँ आपको कि न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है, दूसरा गति नियम जो है, उसमें तीसरा गति नियम भी पाया जाता है। कहने का मतलब न्यूटन का पहला और तीसरा गति नियम जो है दूसरा गति नियम में पाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर न्यूटन के तीसरे गति नियम किस गति नियम में निहित है, माने कौन सा गति नियम न्यूटन का तीसरा गति नियम को डिफाइन कर सकता है, तो वो आएगा द्वितीय गति नियम। अब मैं उसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दो वस्तु है, आपस में टकराती है, ये वस्तु जो है इस पर F1 बल लगाती है और दूसरा वस्तु इस पर F2 बल लगाती है। यहाँ दोनों में कोई त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है। अगर त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है तो क्लियर हो गया। अगर किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न नहीं हो रही है, इसका मतलब वहाँ बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो बाह्य बल अब्सेंट है। यहाँ तो बाह्य बल अगर अब्सेंट है तो द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा फोर्स, दोनों मिला के हो जाएगा F1 प्लस F2। ये दोनों को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब इसे जो है ये प्लस है, अब यहाँ पर आप देखिए ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब इससे क्या पता चलता है कि ये दोनों आपस में परिमाण में बराबर है और दिशा में विपरीत है। यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ है कि प्रत्येक एक्शन का रिएक्शन होता है और इक्वल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इस तरह से न्यूटन का तीसरा नियम डिफाइन हो गया बाय सेकेंड लॉ। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, रॉकेट का ऊपर उठना किस सिद्धांत पर होता है, यानी रॉकेट ऊपर उठता है तो यह किस नियम को फॉलो करता है, तो उस नियम का नाम है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बस इसका यही है कि अगर किसी वस्तु पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका जो पहले संवेग होता है और बाद में जो संवेग होगा वो इक्वल होता है। इतना ही, इसे ही कहते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। माने शुरू में जितना था उतना बाद में भी होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि संवेग का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का भी सिद्धांत है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो निर्माण किया जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ हम क्या करते हैं, एक रूप से दूसरे फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं, रूपांतरण करते हैं। आइए,
इसको मैं समझा रहा हूँ, दो वस्तु है M1 और M2, उसका द्रव्यमान है, उसका वेग है U1 और U2, और दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, इसका वेग ज़्यादा है इसका वेग कम है, दोनों यहाँ टकरा के फिर यहाँ अलग हो जाती है, टकराने के बाद वेग हो गया V1 और V2। तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत से पहले दोनों का संवेग कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, संवेग इज इक्वल टू होता है मात्रा गुना वेग, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इस तरह से दोनों को जोड़ दिए, ये हो गया पहले का संवेग, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे फिर जोड़ दिए, और संवेग संरक्षण का सिद्धांत दो या दो से ज़्यादा वस्तु के लिए भी सत्य होता है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है संवेग संरक्षण का नियम अनेक पिंडों के लिए भी सत्य होता है, मैंने अनेक पिंड कर दिया। देखिए पहला वस्तु है उसका मास है M1, दूसरा है M2, तीसरा का मास है M3, और पहला का वेग है U1, प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी U1, U2, U3, इसी तरह आगे बढ़ा, और फिर अंतिम वेग टकराने के बाद जो वेग में चेंजिंग आया, पहला का वेग हो गया V1, अगला का V2, और सभी का ऐड कर दिए पहले का संवेग, और बाद में दोनों इक्वल आता है। तो ये हो गया संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब और एक बात, संवेग संरक्षण में एक्सटर्नल फोर्स, संवेग संरक्षण में जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वह अब्सेंट होता है, वह नहीं होता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, संवेग में परिवर्तन कहलाता है आवेग, संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, उसे आवेग कहते हैं और इंग्लिश में इम्पल्स कहते हैं। अब मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे आप न्यूटन का सेकेंड लॉ में पढ़े हैं एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, और ए का वैल्यू होता है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो a का वैल्यू v माइनस u बाई टी होता है, और इसी को सॉल्व कर दिया m इंटू v m इंटू यू, अब आ गया एम वी माइनस एम यू एफ इंटू टी, और यही संवेग में परिवर्तन है, ये अंतिम संवेग है और ये शुरू का संवेग है, तो बाद का संवेग माइनस शुरू का संवेग, मतलब संवेग में परिवर्तन, और इसी को मैं लिखा एफ जो है आरोपित बल है और समय। इसे और डिफिनीशन को चेंज कर सकते हैं आप, किसी वस्तु पर जो बल लगता है और कितना समय तक लगता है दोनों के गुणनफल को कहा जाता है आवेग, और आवेग का एसआई मात्रक। यहाँ देखिए आवेग, जैसे आपको फार्मूला अगर याद है तो मात्रक और बीमा आसानी से बना सकते हैं आप। आवेग का फार्मूला हो गया एफ इंटू टी, एफ क्या है बल है, और टाइम का सेकेंड हो जाएगा इसका न्यूटन हो जाएगा, बल है ये, इस तरह से आवेग का एसआई मात्रक इसका न्यूटन और सेकेंड, और अगर आप बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन, तो बल का सीजीएस मात्रक हो जाएगा डाइन सेकेंड। समय का यूनिट हमेशा हर सिस्टम में, जो यूनिट का सिस्टम है सब सिस्टम में सेम होता है। तो अब संवेग और आवेग, ये सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, सदिश माइनस सदिश इज इक्वल टू सदिश। तो आप जो है याद रखें, संवेग और आवेग दोनों जो है वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, और सदिश राशि किसे कहते हैं, फिजिक्स में राशि को दो कैटेगरी में बांटा गया है, सदिश और अदिश। जैसे परिमाण सभी राशि में होती है, जिस राशि में दिशा होगा, जिस राशि में दिशा होगा उसको कहा जाएगा सदिश, और जिसमें दिशा नहीं होगा उसे कहा जाएगा अदिश। अदिश मतलब दिशा नहीं है, सदिश मतलब दिशा है। तो इस तरह से अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर है, किसी पिंड पर यदि बहुत बड़ा बल अल्प समय तक कार्य करता है तो इस बल को क्या कहते हैं, इस बल को कहते हैं आवेगी बल। आवेगी बल है क्या, मैं आपको समझाऊंगा। आवेगी बल है, ये आवेग से रिलेटेड होगा, इम्पल्स से रिलेटेड होगा। अब ये देखिए F इज इक्वल टू फार्मूला होता है एम वी माइनस एम यू बटा टी, न्यूटन का दूसरा नियम से आता है ये,
अब यहाँ देखिए क्लियर है कि जब टाइम ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये जो है बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, जो भी खेल है ये दोनों से ज़्यादा होगा। आपको इसे समझना है, क्रिकेट के बॉल का कैच लेते समय आप देखते होंगे, जब क्रिकेट का बॉल कैच करता है, चाहे सचिन हो, धोनी हो, चाहे अन्य खिलाड़ी हो, तो आप क्रिकेट का बॉल का कैच करते समय देखते होंगे खिलाड़ी को, हाथ को वे पीछे की ओर क्यों करता है। कभी कभी देखते होंगे खिलाड़ी जो है वो जो है गिर भी जाता है कैच करने में और घुलट भी जाता है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि स्टाइल मारता है, वो स्टाइल नहीं होता है, वह जो है क्रिकेट के खेल का जो है वह एक अंग होता है, एक वह मेथड होता है, जो कि हम लोग उससे अनभिज्ञ रहते हैं, अननोन। तो क्रिकेट का बॉल का कैच करते समय हाथ पीछे खींचता है, हाथ जब पीछे खींचेगा तो बॉल कैचिंग का टाइम क्या होता है, यहाँ मैं लिख दिया हूँ, टाइम ज़्यादा, टाइम बढ़ाने के लिए। और जब ये टाइम ज़्यादा होता है तो खिलाड़ी के हाथ पर छोटा बल काम करता है, जिसे खिलाड़ी आराम से सहन कर लेता है। अगर वो हाथ को पीछे नहीं करेगा तो इसका मान कम हो जाएगा और तब बहुत बड़ा बल काम करेगा, जिससे खिलाड़ी चोटिल भी हो सकता है, उसकी उंगलियां जो है फ्रैक्चर भी हो सकती है। ईंट के स्लैब को कराटे के खिलाड़ी आप देखते होंगे, कराटा खिलाड़ी को दो चार ईंट को रख दिया और उसे एक बार में क्या करता है, तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वह जो है उसका मेथड होता है, उसका जो है नियम होता है, उसका प्रैक्टिस होता है, वह जो है बहुत बड़ा बल कम समय के लिए, यहाँ टाइम को घटा देता है, टाइम को कम कर दिया और बड़ा फोर्स हो गया, और जिससे कि ईंट का स्लैब क्या होता है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो आप अब अगला देखिए, गद्दा पर, जब आप गद्दा पर कूदते हैं या बालू के ढेर पर कूदते हैं, देखते होंगे कि अगर मान लीजिए छत के बगल में अगर बालू का ढेर हो तो बहुत से लोग उत्साहित होकर कूदते हैं। तो सवाल है क्यों ऐसा होता है, जैसे बालू पर कूदता है तो वो धंसता है बालू में, अगर मिट्टी गीली हो उस पर भी कूदने में आसानी होती है, वो धंसता है, धंसने से क्या होता है, ये टाइम का मान बढ़ जाता है। और उस पर एक मैं यहाँ लिख दिया हूँ, गद्दा पर कूदने पर कम चोट लगता है क्योंकि टाइम ज़्यादा, यानी टाइम बढ़ गया, यह सब का एक ही फार्मूला है। अब देखिए, टाइम जब बढ़ गया तो ये फोर्स कम लगा। अब अगला देखिए, सीमेंट के फर्श पर, अगर आप पक्के फर्श पर, मैं एक समय एक स्कूल में पढ़ाता था तो उसमें एक हादसा हो गया था, एक और मैं सभी को मैं कहूँगा कि रेलिंग वगैरह पर जो है आप फिसलने का प्रयास ना करें, मतलब आप डेंजरस एक्टिविटी कुछ भी मत करें। तो वह बच्चा रेलिंग पर फिसलता था और उसका डेली का रूटीन था, एक दिन वह बच्चा रेलिंग पर से वह गिर गया और ऊंचाई से गिरा था वो, जिसके कारण उसे बहुत चोट लगी और मुझे दुख होता है कि ही इज नो मोर। तो मैं सबको यही कहूंगा कि आप जो है खतरनाक एक्टिविटी मत करें, आप नॉट प्ले विथ फायर। देखिए, अब अगला जो है, सीमेंट के फर्श पर अगर कोई कूदेगा, कोई गिर जाएगा तो ज़्यादा चोट लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको टाइम कम मिलेगा, फोर्स बड़ा लगेगा। फिर है लंबी या ऊंची कूद, हाई जंप या लॉन्ग जंप में देखते होंगे आप, या देखते होंगे अखाड़ा का मैदान जो होता है, ऐसे तो जरासंध का अखाड़ा जो है बहुत फेमस है, जरासंध का अखाड़ा जो है मेरे ख्याल से वो राजगीर में है, वहाँ की मिट्टी को लोग, जरासंध के अखाड़े की मिट्टी को लोग लगाते हैं अपने शरीर में, ताकि हम भी जो है जरासंध के तरह पावरफुल बन जाए, शक्तिशाली बन जाए। तो लंबी हाई जंप या लॉन्ग जंप में या अखाड़ा का मैदान जो होता है, लोग जो है उसका मिट्टी हल्का करके उसके बाद उस पर हाई या लॉन्ग जंप करते हैं,
अखाड़ा लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर जब वो गिरता है तो टाइम उसे ज़्यादा मिलता है, और टाइम जब ज़्यादा मिलेगा, ये ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा। ये सारे उदाहरण हो गए न्यूटन के सेकेंड नियम के। देखिए, एक मंजिल के छत से दो गेंद फेंकी जाती है, एक क्षैतिज दिशा में जबकि दूसरी नीचे की ओर। एक गेंद को ऐसे फेंका गया, एक गेंद को ऐसे फेंका गया, मतलब क्षैतिज मतलब ऐसे और वर्टिकल मतलब ऐसे। कह रहा है दोनों गेंद कब जो है गिरे, कौन सी गेंद जमीन पर पहले गिरेगी। तो यहाँ देखिए आप पाएंगे, ये तो प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं आप पाएंगे दोनों गेंद जो है एक साथ जमीन पर गिरेगी। इसका कारण है यह बलों के भौतिक स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर हो रहा है क्या कि जो गेंद पर क्षैतिज बल लग रहा है, क्षैतिज बल लग रहा है और एक पर उदग्र बल लग रहा है, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। आप याद रखेंगे क्षैतिज बल और उदग्र बल एक दूसरे से यहाँ फ्री है, इसलिए दोनों गेंद जो है समान समय पर गिरेगा, एक साथ गिरेगा जमीन पर। इसी तरह का बात होता है, एक ट्रेन खड़ी है और एक आदमी पत्थर को गिराता है ट्रेन के डिब्बा में। वह उसका स्थान निश्चित कर दिया कि यहाँ गिरी, अब ट्रेन चल रही है, फिर वो पत्थर को गिराता है। वह पाता है कि दोनों स्थिति में पत्थर सेम स्थान पर गिरता है, जब ट्रेन चल रही थी तब, ट्रेन रुकी थी तब। इसका क्या कारण है? यहाँ भी ये जो उदग्र बल लग रहा है गेंद पर, और जैसे कि ट्रेन चल रही है तब क्षैतिज बल लगेगा, और ट्रेन खड़ी थी तो उदग्र बल लगेगा। यहाँ क्या हो रहा है? क्षैतिज बल और उदग्र बल दोनों एक दूसरे से फ्री है। यह भी बलों के भौतिक स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित है। फिर देखिए अगला, सर्कस में आप देखते होंगे, सर्कस में अब तो सर्कस कम देखने को मिलता है, तो सर्कस में देखते होंगे कि जो घुड़सवार होता है वह एक चलते घोड़े पर से उछल जाता है। घोड़ा चल रहा है क्षैतिज स्थिति में, घुड़सवार जो है उदग्र स्थिति में उछल गया। तो आप देखते हैं क्या होता है, घुड़सवार फिर जो है घोड़ा पर ही गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जो घुड़सवार का उदग्र गति है और जो घुड़सवार घोड़ा का जो क्षैतिज गति है, दोनों एक दूसरे से फ्री है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी कि यह बलों के भौतिक स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मतलब दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहा है, यानी क्षैतिज बल लग रहा है, उदग्र बल लग रहा है, दोनों एक दूसरे से फ्री है। तो याद रखेंगे, अगर चलते घोड़े पर से घुड़सवार उछल जाएगा तो वह कहाँ गिरेगा? घोड़ा पर ही गिरेगा। ट्रेन चल रही है या ट्रेन रुकी है, आप पत्थर गिराएंगे तो पाएंगे दोनों सेम स्थिति में ही जो है सेम स्थान पर गिरता है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ। देखिए अब है घर्षण बल। घर्षण बल का हमारे जीवन में, जिसको इंग्लिश में फ्रिक्शन भी कहते हैं, कभी कभी फ्रिक्शन मतलब ये भी होता है, मन मटाव भी होता है, यहाँ पर वो बात नहीं है। घर्षण है क्या? जब कोई वस्तु किसी सतह पर चलती है तो सतहों के संपर्क के कारण, जैसे देखिए दो हथेली है, इसको आपस में रगड़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक फोर्स जो है आपके हथेली को आगे पीछे होने से रोक रहा है, मतलब मूविंग करने से, मूवमेंट होने में देख रहे हैं कोई बाधा हो रहा है, तो इसी को आप घर्षण कहते हैं। जब हम चलते हैं तो जो हमारे गति का विरोध करता है उसे घर्षण कहते हैं। घर्षण देखिए तीन तरह का होता है, एक होता है अस्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या होता है अस्टैटिक फ्रिक्शन? अगर एक सतह पर दूसरी वस्तु रखी हुई है, बल लगाए वह गतिशील नहीं हुआ,
तो वहां जो घर्षण लग रहा है उसको कहेंगे अस्टैटिक। एक वस्तु जैसे किसी सतह पर रखी हुई है, अब ट्रक को आप लगा देते हैं, गाड़ी लगा दिए, वो खड़ी रहती है, तो वहाँ कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? अस्टैटिक। और दूसरा है स्लाइडिंग है, देखिए स्लाइडिंग सरपी। अगर एक वस्तु को दूसरी सतह पर आप सरकाते हैं आप, तो ऐसी स्थिति में जो है सरपी घर्षण उस वस्तु पर लगता है। जैसे कि आप जो है आप जैसे गाय के बछड़े को खींचते हैं आप रस्सी से, तो वहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा, या आप देखते होंगे एक पिक्चर देखे होंगे लाडला, उसमें देखे होंगे अनिल कपूर जो है एक विलन को गाड़ी में बांध के उसको खींचता है, तो वहाँ जो विलन और फर्श के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है वह कौन सा फ्रिक्शन है? सर्पी फ्रिक्शन है। यहाँ देखिए, यहाँ जो है देखिए ये सरक रहा है, ये यहाँ कौन सा फ्रिक्शन है? ये जो फ्रिक्शन है ये सर्पी फ्रिक्शन है। ये मतलब एक सतह पर, जैसे आप देखते होंगे कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड में जो गोटी है, कैरम बोर्ड की गोटी जो सरकती है कैरम के ऊपर, कैरम बोर्ड के ऊपर, उसमें क्या होता है? उसमें जो गोटी और सतह के बीच जो फ्रिक्शन लगता है वह होता है सर्पी घर्षण। और तीसरा है लोटनिक। तीसरा जो है वो है लोटनिक, लोटनिक जिसको रॉलिंग, जिसको आप कहते हैं रॉलिंग फ्रिक्शन। रॉलिंग फ्रिक्शन होता है जैसे कि साइकिल का पहिया, गाड़ी का पहिया जो घूमता है, गोल गोल घूमता है। आप जैसे सिलेंडर वगैरह को भी देखते होंगे कि कभी कभी तो लोग, जिसको साइंस का ज्ञान नहीं है, वो घसका के माने सरका के ले जाता है, और जिसे साइंस का ज्ञान होता है वह उसे घर का के ले जाता है। तो जब स्लाइडिंग देखिए, जब रोलिंग होता है, रोलिंग फ्रिक्शन मूवमेंट वाला जो फ्रिक्शन होता है, उस स्थिति में जो है लॉटनिक जो रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, उस स्थिति में क्या होता है? जैसे कि जो दोनों सतह होती है, जो सतह होती है और वस्तु होती है, दोनों के बीच जो कांटेक्ट होता है वह एरिया बहुत कम होता है, जिसके कारण फ्रिक्शन जो है कम होता है। तो सबसे कम होता है फ्रिक्शन जब वस्तु जो है रोलिंग करके चलती है। तो इस तरह से घर्षण का हमारे जीवन में, मैं अगला जो वीडियो बता दूंगा आपको, उसमें घर्षण का हमारे जीवन में क्या जो है एडवांटेज है, क्या हमारे जीवन में डिसएडवांटेज है, यह सब मैं आपको बताऊंगा। घर्षण कैसे कम किया जाएगा, घर्षण को हम कब बढ़ाते हैं, क्यों बढ़ाते हैं, यानी घर्षण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को जो है, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करें। और आप जब पढ़ते हैं आप क्या महसूस करते हैं, आप अपने फीलिंग को बाय द कमेंट आप शेयर करें, मुझे इन्फॉर्म करें। बस इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है कि स्टूडेंट को चाहे वह मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसमें डेल्व इंटू अ स्टडी, यानी आपको मैं गहरा अध्ययन देना चाहता हूँ। और आज क्या सभी दिन जो भी लोग सफल हुए, देखिए सफलता छोटी हो या बड़ी हो, सभी के लिए आपको गहन अध्ययन की ज़रूरत होती है। और अटकल पचे 150 तो ये कभी कभी हो जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। आप हीट इन द डार्क
आप जो है अंधेरे में वार करना आप जो है छोड़ दें, आप खुली मैदान में और सटीकता के साथ आप जो है निशाना लगाएं। यही मात्र मेरा उद्देश्य है इस चैनल का कि आपको जो है डेल्व इनटू आपका जो सब्जेक्ट है, जो मैटर है, उसमें आपको डेवलप करना है, इसका मात्र उद्देश्य है। तो आप सभी इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच।